अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके से सर्टिफाइड है यह देखना बहुत जरूरी होगा <coughs> और अपनी दवाइयां किस प्रकार से बनाई है यह आपको देखना बहुत जरूरी होगा अपनी आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में बनी कंसेप्टे ये अजुर्वेद का, अजु, का एक यजुर्वेद का एक पार्ट है जिसमें वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है ये अपनी दवाइयां किसी भी प्रकार से कोई केमिकल नहीं है इसमें हर्बल स्टेक्ट मिला हुआ है मतलब पौधों का ऐसे पौधों का रस मिलाया गया है जो अपनी इच्छा के अनुसार कीड़ों को या फिर फफूंद को या फिर उसको अपने खेत से बाहर रखने के लिए मदद करता है यह अपना एंसेंट नो हाउ है अपना ही नॉलेज है आयुर्वेदा का जो हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया है क्या है अपने प्रोडक्ट किस तरीके से सर्टिफिकेशन अपने को बना मिला गया मिला है अपने सभी प्रोडक्ट्स बायोसर्ट इंटरनेशनल की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोन सर्टिफिकेशन मिला है क्या है एनपीओपी सर्टिफिकेशन एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो होता है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा एक्रेडेटेड एजेंसी हमें देती है और इस तरीके से एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली सबसे पहली कंपनी अपनी बनी है जिसका नाम है यमाई तो एक बार यमाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए जिसने ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन पहली बार अपने लिए लिया है और अगर कुछ आप आपके लीडर्स या फिर आप लोग अगर इंटरनेशनली इसको ले जाना चाहते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आईफोम के द्वारा मतलब हमें इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन इसका एग्रेडेशन हमें मिला है जो आईफोम सर्टिफिकेशन भी हमें मिला है तो इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सर्टिफिकेशन अपने पास में है जो हमें अपेडा एक्रेडिटेड बायोसो इंटरनेशनल ने दिया है नेक्स्ट प्लीज <coughs> जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस आज के अपने पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपको पूरा एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं सिखाने वाला बट जितना एग्रीकल्चर आपको जरूरत है उतना सीखना बहुत जरूरी है छोटी और सिंपल भाषा में कीड़ा कहाँ से आता है कहा जाता है किस तरीके से नुकसान करता है यह समझने के लिए कीड़ा आता कहां से है ये समझना बहुत जरूरी होता है जो भी कीड़े अपने पौधों के ऊपर या खेत के ऊपर में पाए जाते हैं हर कीड़े के पीछे में हर इल्ली के पीछे में या सुंडी के पीछे में एक बटरफ्लाई होती है तो बटरफ्लाई आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई देखी होगी अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग बटरफ्लाई होती है ये होते हैं जो आपके खेतों में कीड़े डालने का या फिर इल्ली डालने का काम करते हैं किस प्रकार से करते हैं बटरफ्लाई में नर और मादा ये दोनों होते हैं अमावस के दिनों में मैं कुछ ये स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं कि आपको नो मून डेज या अमावस के दिनों में क्या होता है बट ये साइंस है साइंस का एक चैप्टर है आपको ये किसान भाइयों को समझाना बहुत जरूरी है अमावस के दिनों में नर और मादा बटरफ्लाई का मिलन होता है और मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीजिएटली मर जाता है और मिलन होने के बाद में दो दिन के बाद मादा बटरफ्लाई पांच अंडे से लेके पांच हजार अंडे तक आपके खेतों में अंडे डाले जाते हैं पत्तों के नीचे फूलों के नीचे या फिर फलों के नीचे ये अंडे डाले जाते हैं और अंडे डालने के बाद में मादा बटरफ्लाई भी मर जाती है मतलब ये जनरेशन खत्म हो गया बट उन्होंने जो अंडे डाले हैं अपने खेत में वो अंडे मतलब अमावस के चौथे दिन अंडे आपके खेत में डाले जाएंगे अब वो जो अंडे डाले हैं वो अगले तीन दिनों में आपके अंडों से उनके अंडों से बाहर निकलेंगे और ये होते हैं सबसे डेडली डेंजरस आ, सुंडिया जो आपके खेतों में बाहर निकलते ही आपके पौधों को फूलों को और फलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है मतलब दिन कौन सा आया अमावस के छठे दिन बाद आपके खेतों में दिखना चालू हो जाती है मतलब सुंडिया जो भी कीड़े आपके खेत में आते हैं ये दिखना चालू हो जाता है इसका मतलब यही है समझना बहुत जरूरी है कि अमावस के दिन के छठे या सातवें दिन या आठवें दिन अगर आप छिड़काव करने के लिए आपके किसान भाइयों को बताते हैं तो वो डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट आपको रिजल्ट देने वाला है ये अंडे बढ़ते बढ़ते चार अवस्थाओं से गुजरते हैं और बड़ी सी इल्ली बनते हैं जो आपको खेत में दिखती है बट नुकसान जो है जो इल्ली आपको आपकी नजर से दिखती है वो नुकसान कर चुकी होती है जो अपनी खुली आंखों से आपको दिखती है बट जो इल्ली आपको दिखती नहीं है वो ज्यादा नुकसान करती है और जो इल्ली आपकी स्क्रीन के ऊपर आज अभी देख रहे हो ये लार्वा जो है ये इल्ली जो है या सुंडी जो है ये उसके बाद प्यूपेशन स्टेज में या कोश अवस्था में निकल जाती है जो जमीन में कोश डाले जाते हैं तो वो अवस्था में निकल जाती है और जब भी अच्छी तरीके से खेती में फूल आते हैं फल आते हैं उस समय <coughs> फिर ये बटरफ्लाई अगली अमावस में बाहर निकलते हैं चार दिन पहले बाहर निकलते हैं आपके खेतों में चार दिन की उनकी लाइफ होती है बटरफ्लाई की फिर नर मादा का बिलन होता है फिर अंडे डाले जाते हैं इस प्रकार से ये जो साइकिल आपके सामने दिख रही है ये 25 दिन से लेके 42 दिन तक अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है मतलब हर सुंडी के पीछे में अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई होती है बट कोई भी दवाई का छिड़काव या फिर रिकमेंडेशन जो आपको करनी है वो नो मून डेज के छठे सातवें आठवें या दस दिन तक आपको आपकी दवाइयों का छिड़काव करना बहुत जरूरी है बट एक बात यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होगी अगर नो डेज मतलब अमावस के अमावस के रात के बाद में अगले तीन दिन में अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपके खेत में अंडे डाले ही नहीं जाएंगे मतलब नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं आता बट अगर वो दिन आपसे छूट गया तो आपको किसानों को बताना बहुत जरूरी है कि अमावस के छठे सातवें आठवें या दसवें दिन तक आपको इस दवाइयों का छिड़काव करना है ताकि अगले अमावस्था तक आपके खेतों में कोई भी पीड़ कीड़ा नहीं रहेगा ये फिलोसॉफी है साइंस का एक चैप्टर है जो बताया जाता है जो जूलॉजी का चैप्टर है बताया जाता है कि इस तरीके से आपने छिड़काव करना है बट आपने देखा होगा कि किसान भाई जब भी बड़ी वाली सुंडी आपके खेत में देखते हैं तब आप निकल जाते हैं दवाई लेके आते हैं और इसका छिड़काव करते हैं बट वो दवाई वो अगर आप पेट्रोल भी छिड़काव करेंगे तब भी मरती नहीं है ये सुन इसका मतलब आपको अमावस के दस दिनों में आपका सेल करना है नेक्स्ट कितने प्रकार के कीड़े होते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी होगा तो हमने इन कीड़ों को अलग अलग प्रकार के भारत वर्ष में पाए जाने वाले और जो आपकी खेती को नुकसान करने वाले जो कीड़े हैं वो तकरीबन साढ़े चार हजार स्पीसीज है साढ़े चार हजार स्पीसीज अलग अलग प्रकार के कीड़े अलग अलग प्रकार के पौधों के ऊपर में या खेती का नुकसान करते हैं कुछ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं कुछ नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं कुछ चाय के ऊपर में पाए जाते हैं या फिर कुछ सब्जियों में पाए जाते हैं तो इस अलग अलग प्रकार के साढ़े चार हजार कीड़े जो है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं बट हमने आपको समझने के लिए चार इसका क्लासेस बनाए हैं जिसे बोलते हैं एंड सकिंग मतलब भेदी और और चूसने चूसने वाले रस चूसने वाले रस कीड़े जिसमें एफिड माइट्स आते हैं ये अलग अलग प्रकार के चार सेगमेंट है जिसको हम सरनेम भी बोल सकते हैं ये आपको रस चूसने वाले कीड़ों के सेगमेंट में आते हैं दूसरा क्लास आता है चूइंग एंड बाइटिंग टाइप मतलब ये चबाने और काटने वाले कीड़े जब भी आप आपके पौधों के ऊपर में फलों के ऊपर छेद देखते हैं या पत्तों को काटा हुआ दिखता है या फूल नीचे गिर रहे या फूलों को खाया हुआ दिखता है तब आपने समझ लेना कि ये दूसरे क्लास वाले कीड़े आपके खेत में आए हैं चबाने और काटने वाले रास्पिंग प्लांट टिश्यूज मतलब छीलन करने वाले कीड़े ये हर प्रकार व्हाइट फ्लाई जिसमें एक ही कीड़ा आता है बट ये इतना डेडली होता है कि कोई भी दवाई का छिड़काव आप सफेद मक्खी के ऊपर में करिए पर्टिकुलरली मैं बैंगन वाले खेती और कपास वाली खेती के लिए आपको बता दू आपके क्षेत्र में अगर बैंगन की खेती होती है कपास की खेती होती है या खीरा लौकी या फिर तुरई का अगर खेती होती है तो इसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक आना ही आना है व्हाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल में जब भी बैंगन की खेती में आपको पौधों के अगल बगल में जब भी आ, सूखा हुआ पार्ट दिखता है तो लोगों को लगता है कि ये आ, आ, फंगस है या फिर ये फफूंद है बट ये डेफिनेटली व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है जिसमें आ, ये कोई भी केमिकल मार्केट में इसके लिए दवाई नहीं बनाई गई है बट हम आपके लिए इसके लिए सोल्यूशन देने वाले हैं और चौथा क्लास आता है जो जमीन में आपकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े आते हैं जिसमें सफेद लट आ गई जिसे हम दीमक बोलते हैं कटवंस होते हैं क्रिकेट होते हैं बहुत सारे प्रकार के कीड़े हैं जो आपकी पौधों के जड़ों में या खेतों में दिखते हैं लास्ट ईयर ऐसा देखा गया है कि सोयाबीन की खेती में आपको आ, सफेद लटका हेवी अटैक एमपी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आ, यूपी में महाराष्ट्र में कर्नाटका में देखा गया है सोयाबीन की खेती इससे नहीं हो पाई थी उसके लिए भी हम आपको सोल्यूशन देंगे नेक्स्ट इन चार प्रकार के कीड़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है बट इसके बाद भी और आसान होने वाला है एग्रीकल्चर कितना आसान होने वाला है हम आपको बताएंगे